दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए ट्रेन के ड्राइवर सामने कुछ भी देखने पर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। दोस्तों आप लोगों ने कई बार ये चीज देखी और सुनी होगी कि रेलवे ट्रैक पर कोई जानवर, कोई इंसान या फिर कोई कार वगैरह के आ जाने पर भी ट्रेन के ड्राइवर कभी ब्रेक नहीं लगाते। ऐसे में क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है, ऐसा क्यों होता है? क्यों ड्राइवर ब्रेक लगाकर हादसा रोकने के बजाय ट्रेन को आगे चलाते जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई वजह है या फिर ड्राइवर को यूं ही इस चीज के लिए मना किया गया है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों के जवाब देने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने कई बार ये चीज देखी होगी कि ट्रेन के आगे अगर कोई भी चीज अचानक से सामने आ जाती है तो ट्रेन के ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाते, जिसकी वजह से बहुत ही भयानक एक्सीडेंट कई बार हो जाते हैं, जिसे देख किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा होने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। असल में जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने दो लंबे लंबे बैरियर लगे होते हैं। ऐसे में जब कभी भी ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली होती है तो ये दो लंबे लंबे बैरियर नीचे कर दिए जाते हैं, यानी रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी उस समय दूर दूर तक रेलवे ट्रैक पर नजर ना आए, क्योंकि अगर कोई रेलवे ट्रैक पर गुजरेगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी कुछ समझदार लोग न केवल पैदल बल्कि अपनी गाड़ियों से भी फाटक तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और इसी तरह के कई सारे मामले आप लोगों ने देखे होंगे। और अक्सर जल्दबाजी करने वाले लोग रेलवे फाटक को पार करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में फंसकर वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सामने से कोई इंसान या जानवर जा रहा हो तब भी ट्रेन उसे देखकर क्यों नहीं रुकती? क्यों ट्रेन का ड्राइवर कई लोगों को ट्रेन के सामने देखकर ब्रेक नहीं लगाता और आगे बढ़ता जाता है? असल में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी ट्रेन के सामने बिल्कुल अचानक से कोई चीज आ जाती है तो ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। ऐसे में आपको ये बता दे कि ट्रेन के पीछे एक दो नहीं बल्कि 30 से लेकर 40 बोगी जुड़ी होती है और ट्रेन काफी ज्यादा लंबी होती है और ट्रेन आमतौर पर ट्रैक के ऊपर कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो चलती है। ऐसे में अगर कोई ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी तो उसे काफी सोच समझ कर ये करना होता है, क्योंकि अगर कोई चीज ट्रेन के सामने आ रही है तो ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है तब भी ट्रेन बिल्कुल अचानक से नहीं रुकने वाली, बल्कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद भी ट्रेन 850 मीटर तक आगे बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी चीज को ट्रेन के टक्कर होने से बचाने के लिए कम से कम उसका ट्रेन से 850 मीटर की दूरी पर होना बहुत जरूरी है। और कोई सामान जैसे कोयला, तेल या गेहूं वगैरह ले जाने वाली ट्रेन है यानी मालगाड़ी है, तो ऐसी ट्रेन की दूरी किसी भी चीज से कम 1 किलोमीटर तक तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को कम से कम 1 किलोमीटर पहले ब्रेक लगा कर रोकना होता है, वरना अगर अचानक से रोकी जाएगी तो वो अपनी पटरी से नीचे उतर जाएगी ना। क्योंकि जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आ रही होती है तो अचानक से ब्रेक लगाने पर पीछे बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और जो पीछे की बोगी है वो पूरी तरह से पलट जाएगी और उसके अंदर बैठे हजारों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में ट्रेन के सामने कोई भी चीज कितनी भी ज्यादा कीमती या फिर जरूरी क्यों ना हो, लेकिन वो हजारों लोगों की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। यही सबसे बड़ा कारण है कि सामने कोई भी चीज क्यों ना मौजूद हो, ट्रेन का ड्राइवर जब तक उचित दूरी नहीं होती तब तक ट्रेन को नहीं रोकता, क्योंकि उसके लिए ट्रेन के अंदर बैठे यात्री सबसे बड़ी जिम्मेदारी होते हैं और उनकी जान बचाना उस वक्त उसका सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है, ना कि रेलवे ट्रैक पर सामने खड़ी कार या इंसान की जान बचाना, क्योंकि वो लोग तो अपनी बेवकूफी से वहां आए होते हैं लेकिन यात्री तो पूरी सुरक्षा के साथ इस उम्मीद में ट्रेन के साथ बैठे होते हैं कि वो अपनी यात्रा पूरी करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। दोस्तों आप खुद सोचिए, इस तरह की सिचुएशन में ट्रेन का ड्राइवर भला कैसे छोटे से एक्सीडेंट को बचाने के लिए एक बड़ा सा एक्सीडेंट कर सकता है? यही वजह है कि ट्रेन का ड्राइवर कभी भी ट्रेन को एक झटके में नहीं रोकता,
फिर चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। और यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि 1 किलोमीटर की दूरी से ट्रेन के ड्राइवर को सामने मौजूद कोई भी चीज ढंग से नजर नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई खड़ा है भी या नहीं। और कई बार ट्रेन को ऐसे ट्रैक से मुड़ना भी पड़ता है जहां पर कई डिग्री का घुमाव होता है। इस सिचुएशन में तो ट्रेन के ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता कि सामने वाले ट्रैक पर कुछ मौजूद है भी या नहीं। इसी वजह से जब ट्रेन का ड्राइवर किसी इंसान, गाड़ी या जानवर को ट्रेन की पटरी पर देख लेता है तो उस समय वो ट्रेन के बहुत ही पास होते हैं। अब पहले तो वो उन्हें देख नहीं पाता, इसलिए तो वो अपनी इतनी पास होते हुए भी ट्रेन को ब्रेक नहीं लगा पाते, क्योंकि वो ट्रेन को कुछ दूरी पहले ही धीरे धीरे करके रोक सकते हैं, लेकिन ट्रेन को एकदम से नहीं रोक सकते क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए सामने चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ट्रेन का ड्राइवर नजदीक आने पर ब्रेक नहीं लगाता बल्कि ट्रेन को आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, जिसके चक्कर में कई बार छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ट्रेन में बैठे यात्री सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।